फ्रेंड्स, आज आपके सामने मैं कंठ से लेके आ रहा हूँ जनवरी महीने के 2017 ईयर के, और इसमें मैंने मोर देन 200 प्लस जो है करंट अफेयर ऐड किए हैं, और मुझे उम्मीद है आपको ये करंट अफेयर मुझे काफ़ी आपके हेल्प करेगा। और इसके अंदर मैंने जो जितनी भी हेडलाइंस रही हैं, जहाँ आप ये कह सकते हो कि वन लाइनर करंट अफेयर है ये, और इसके अंदर पूरे जनवरी महीने के जो भी न्यूज़ में आया है वो सब के सब मैंने इसमें ऐड किया है। आप एक चीज़ और नोट करेंगे, इसके अंदर मैंने हर एक चीज़ नोट की है, और इसके अलावा जो मैं जितनी पिक्चर्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा कौन कौन सी न्यूज़ है जो पिक्चर के थ्रू मैं आपको समझा सकता हूँ, मैंने वो भी इसके अंदर ऐड किए हैं। और फ्रेंड्स, इसके अलावा एक चीज़ और है, अगर आपको जो करंट अफेयर है इसके PDF फाइल जो और या प्रेजेंटेशन फाइल जैसे मैं बनाई है और चाहिए हो, तो आपको सिर्फ 21 रुपीज़ पे करने हैं, और इस 21 रुपीज़ में आप मुझे मोबिक का जो नंबर है, मेरा मोबाइल नंबर वही मेरा व्हाट्सएप नंबर है, पेटीएम से भी पे कर सकते हैं और एयरटेल पेमेंट बैंक से भी पे कर सकते हैं। इसके साथ मैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज के सोनिम्स जो जितने भी मेरे हर डेली के डेली मैं 10 या 15 इंग्लिश के सोनिम्स लेके आता हूँ डेली के डेली, वो आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाऊंगा। और इसके साथ मैं आपको एक चीज़ बता दूं फ्रेंड्स, जो मैं करंट अफेयर तैयार कर रहा हूँ ये स्टेट लेवल पे सेंट्रल लेवल पे, मुझे उम्मीद है कि आपको आने वाले एग्जाम में कहीं ना कहीं ये आपको हेल्प करेंगे। और एक चीज़ और आपसे मैं कहता हूँ, मैं हर हर एक करंट अफेयर में स्टार्टिंग में वीडियो से पहले आपको एक जीके का सम पूछूंगा, जीके का सवाल पूछूंगा, और आपको उसका आंसर बताना है मेरी इस वीडियो से पहले पहले, और आपने भी होनेस्टली गूगल से सर्च नहीं करना है, सिर्फ ये जीके का क्वेश्चन ऐसे होगा जो न्यूज़ में रहा होगा या उसका जो आंसर होगा उसका करंट अफेयर से कोई ना कोई रिलेशन पक्का होगा। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर, और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो आज का करंट अफेयर है, और शुरू करने से पहले आपको बताना है कि गार्डन सिटी ऑफ इंडिया कौन सी है, गार्डन सिटी ऑफ इंडिया कौन सी है, और ओल्डेस्ट ओल्डेस्ट लिविंग सिटी ऑफ इंडिया कौन सी है। आपको इस दोनों दोनों के जवाब देने हैं, और इन दोनों का जो आंसर है वो आपके इस करंट अफेयर से भी कोई ना कोई रिलेशन रखेगा, और ये मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। अगर आपको इसका आंसर पता है तो अभी आप मत जब मेरी वीडियो लास्ट में आप देखेंगे तो आप उसको मैच कर लीजिए कि आपका आंसर सही है या गलत है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर, और जो करंट अफेयर है वो है आज का पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि दिल्ली के चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है, और ये भी न्यूज़ में रहे थे क्योंकि आपको पता है कि नए जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल जी, उन्होंने उनको ओथ जो दिलवाई है वो चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट ने दिलवाई है, और इनका नाम है श्रीमती जी रोहनी। जी रोहनी जो है चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट हैं, और दिल्ली हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हैं ये। और एक चीज़ बता दूं फ्रेंड्स, जो गवर्नर की अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करता है, और लेकिन इनको ओथ जो दिलवाई जाती है वो चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट के जो हाई कोर्ट होती है वो उनको ओथ दिलवाता है, शपथ ग्रहण चीफ जस्टिस के द्वारा होती है। तो ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है, पॉलिटिक्स का है, पर मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि अगर अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति ने दिलवाई है तो वो ओथ भी वही दिलवाएंगे, पर ऐसा नहीं है, तो इस चीज का आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है, कक्रा पर एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ पे है, कक्रा पर एटॉमिक पावर स्टेशन गुजरात में है। दस्यम नेशनल पार्क कहाँ पे है, दस्यम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है। ऑथर ऑफ दी बुक, ये जो बुक का आप देख रहे हैं इसका कवर पेज देख रहे हैं, इस जो ना जिसका नाम है बुक का एन एरिया ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, और ये है शशि थरूर जो कांग्रेस के एक बहुत ही वरिष्ठ नेता है, और इस बुक के कवर पेज पे आप देख रहे होंगे उनका नाम भी आ रहा है सबसे ऊपर, तो जो इसके ऑथर हैं वो हैं शशि थरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है, इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ कि जो डिमोनेटाइजेशन हुई है, डिमोनेटाइजेशन में डिमोनेटाइजेशन से पहले वर्ल्ड बैंक ने हमारी ग्रोथ रेट क्या सेट की थी, जहाँ ग्रोथ रेट क्या प्रडिक्शन क्या थी उनकी, और उनका क्या अनुमान था। तो
और आफ्टर डीमोनेटाइजेशन उन्होंने हमारी ग्रोथ रेट कट करके कितनी कर दी है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है, जो पहले जो ग्रोथ रेट थी वो थी 7.6%, और आफ्टर डीमोनेटाइजेशन के बाद उन्होंने 7% कर दी है, 0.6% उन्होंने कम कर दी है कि जो ग्रोथ रेट है वो कम रहेगी। अब इस वीडियो में आप देख रहे हैं, एक प्लेयर है जिनका नाम है मार्कस टोनिस। आपको बताना है ये कौन सी गेम खेलते हैं और किस टीम से बिलोंग करते हैं, और ये क्रिकेट टीम खेलते हैं और ऑस्ट्रेलिया की टीम से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा INS विक्रांत किस कंट्री ने बनाया है, और इसका आपको बताना है ये जो INS है किस कंट्री ने बनाया है, और इंडिया ने मिलकर बनाया है, आप कह सकते हो, जहाँ अभी ये इंडिया के पास है। और इसका जो आंसर है वो है रशिया। रशिया कंट्री ने INS विक्रांत बनाया है, और आप इस देखिए फोटो में भी देख रहे हैं, इमेज में भी देख रहे हैं, जो INS विक्रांत है वो इंडिया का पहला इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर भी है। और ये आपका इस तरह से दो क्वेश्चन आपके जीके में बनते हैं कि किस कंट्री ने बनाया है INS विक्रांत, तो वो है रशिया। जहाँ आपको ये पूछा जा सकता है कि INS जो पहला इंडिया का पहला इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट है, इंडिजिनियस जो एयरक्राफ्ट है वो किस कंट्री ने बनाया है, और या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि रशिया कंट्री ने कौन सा एयरक्राफ्ट बनाया है इंडिया का, तो उसमें आंसर आ सकता है INS विराट आ सकता है, INS विक्रांत आ सकता है, और INS विक्रमादित्य भी आ सकता है, पर उसका करेक्ट आंसर है INS विक्रांत। तो इस चीज का भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें, ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं जो कंफ्यूज करते हैं एग्जाम में, और आपको पता है कि एक एक पॉइंट के लिए बहुत बहुत मतलब मेहनत करनी पड़ती है, सिर्फ आपके माइंड में ये स्टिक जब तक स्ट्राइक नहीं करेगा तब तक आपको इस चीज का ध्यान नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट गवर्नमेंट रिलीज ए बुक स्वच्छ विद्यालय स्वच्छ विद्यार्थी। आप सबको पता है कि अभी स्टेट गवर्नमेंट जो है पंजाब एंड हरियाणा सबॉर्डिनेट कोर्स के एग्जाम आ रहा है इस मंथ में 26 तारीख को, और उसमें ये बहुत आपकी हेल्प कर सकता है, और इसका आंसर है हरियाणा। हरियाणा स्टेट ने एक बुक रिलीज की है स्वच्छ विद्यालय स्वच्छ विद्यार्थी। नेक्स्ट देखिए, 62nd फिल्मवेयर अवार्ड कहाँ पे हुआ, और साथ में आपको बताना है इसका लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला, और एक चीज और बताना है कि इसमें मूवी जो थी बेस्ट फिल्म मूवी कौन सी है, और बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस कौन से हैं। तो फ्रेंड्स, ये हुआ है मुंबई में, 62nd फिल्म वेयर अवार्ड मुंबई में हुआ है, और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड शत्रुघ्न सिन्हा को मिला है, और बेस्ट फिल्म थी इसमें दंगल, बेस्ट जो मूवी है वो दंगल रही है, और उसके एक्टर हैं जो आमिर खान, उनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, और जो बेस्ट एक्ट्रेस हैं वो है आलिया भट्ट, और उनको मिला है उड़ान मूवी के लिए, ये इसका आंसर है, और आमिर खान को मिला है दंगल मूवी के लिए। तो इस तरह से एक क्वेश्चन से देखिए 4 या 5 क्वेश्चन बनते हैं, और आपको बस थोड़ा सा उसको डिटेल पे पता हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको कि एक ही क्वेश्चन के थ्रू कम से कम जितना मैं उसको भी फिल्म जैसे ये फिल्म वेयर अवार्ड था, और इस क्वेश्चन से कम देखिए 3 या 4 क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसे ही लेके आऊँ कि आपको अगर कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको बड़े आराम से अटेम्प्ट कर सकें। नेक्स्ट है, वर्ल्ड फर्स्ट मिनी वर्कस्टेशन इन इंडिया किस कंपनी ने बनाया है, और इसका आंसर है HP। अब आप मुझे बताइए इसका नाम क्या है, इस मिनी वर्कस्टेशन का नाम क्या है? इसका नाम है Z2 Mini। Z2 Mini, अगर आपको क्वेश्चन आए तो उसका आंसर है Z2 Mini। CMD ऑफ आंध्रा बैंक, CMD ऑफ आंध्रा बैंक कौन है, वो है सुरेश एन पटेल, और आपको बताना है आंध्रा बैंक की टैगलाइन क्या है, आंध्रा बैंक की टैगलाइन क्या है। आप इसमें देखिए आंध्रा बैंक का जो लोगो है वो दिखाई दे रहा है, और उसके नीचे उसकी टैगलाइन है वेयर इंडिया बैंक्स। मैंने इसको इसलिए ऐड किया है क्योंकि अभी इन्होंने अपनी करंट जो टैगलाइन है वो चेंज की है एक साल या 2 साल पहले, और ये आपको क्वेश्चन में आ सकता है, तो इस चीज का भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो इसका करंट अफेयर है, वो आपको बताना है कि द वॉल ऑफ ट्रुथ, द वॉल ऑफ ट्रुथ
मेमोरियल कहाँ पे उद्घाटन किया गया है और उस कौन सी जगह पे किया गया है। आपको बताना है कि जो वॉल ऑफ ट्रुथ है वो कहाँ पे उद्घाटन किया गया है और किस जगह, उस जगह का नाम बताना है आपको। एक सिटी का नाम बताना है और उस जगह का नाम बताना है। ये फ्रेंड दिल्ली में किया गया है और फ्रेंड्स जहाँ पे किया गया है उसका जगह का नाम है गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब कम्प्लेक्स। इस चीज़ का भी ध्यान रखें अगर आपको पूछा जाता है कि कहाँ पे किया गया है। अगर वहाँ पे सिटीज के नाम आते हैं तो फिर दिल्ली उसका करेक्ट करेक्ट आंसर है, बट अगर वहाँ पे साथ में नाम भी दिया गया है उस प्लेस का तो नाम है गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब कम्प्लेक्स। इसका जो यहाँ पे ये उद्घाटन किया गया है, जहाँ पे इसको इनॉग्रेट किया गया है। सेना मेडल अवार्ड 2017 किसको मिला है तो ये सब आप जानते होंगे। ये मिला है लांस नायक हनुबत्ता को मिला है सेना मेडल 2017। नेक्स्ट है तबलिसी जू किस कंट्री में है, उसका आंसर है जॉर्जिया। जो तबलिस जू है वो है जॉर्जिया में। और ये आप एक चीज और है जो सेना मेडल आपने देखा होगा, ये अभी आपने काफी न्यूज में भी देखा होगा कि जो लांस नायक हनुमान थापा थे उनको ये अवार्ड मिला है और काफी ये मतलब इन्होंने बहादुर से ये काम बहादुर से ये शहीद हो गए थे तो इनके लिए ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट जो है इसका करंट अफेयर है, अभी आप वीडियो में देख रहे हैं कि इसमें एक फोटो दिखाई गई है एक प्लेयर की जिनका नाम है फिलिपी कॉन्टिनो, और आपको बताना है ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं और कौन सी गेम खेलते हैं। और इनको मैं आपको बता दूं ये जो है ब्राजील से बिलोंग करते हैं और फुटबॉल टीम खेलते हैं, सॉरी फुटबॉल प्लेयर खेलते हैं और ब्राजील से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है नेमार दा सिल्वा सेंटोस जूनियर, ये जो प्लेयर की आप फोटो देख रहे हैं इसमें ये कौन सी गेम खेलते हैं और किस कंट्री से हैं। ये भी ब्राजील से हैं और ये भी फुटबॉल गेम खेलते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूस इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन करता है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट तैयार की जाती है, और इसका आंसर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और WEF। नेक्स्ट है विनर ऑफ ब्रिस्बेन इंटरनेशनल वुमेन सिंगल टाइटल चैंपियनशिप 2017 जो जनवरी में हुई थी वो किसने जीती है। फ्रेंड एक चीज का ध्यान रखें, इसमें मैंने वुमेन सिंगल का जो वुमेन सिंगल बोला है तो वुमेन सिंगल का नाम दिया रखना, ऐसा ना हो क्योंकि इसमें वुमेन सिंगल भी होता है वुमेन डबल भी होता है। तो जो सिंगल जीता है और आप प्लेयर की फोटो देख रहे हैं मेरी इस वीडियो में और उनका नाम है केरोलिना रिस्कोवा जो है उन्होंने वुमेन सिंगल टाइटल टाइटल चैंपियनशिप जीती है। नेक्स्ट है वो विनर ऑफ ब्रिस्बेन इंटरनेशनल वुमेन डबल चैंपियनशिप किसने जीती है, और इसमें हमें प्राउड होना चाहिए, हमारी देश के जो प्लेयर हैं सानिया मिर्जा जी वो भी थी इसमें और उनके साथ थे बेथाइन मटिक जो उनके साथ थे और दोनों ने मिलके वुमेन डबल टाइटल चैंपियनशिप जीता है। तो ये था ब्रिस्बेन इंटरनेशनल वुमेन डबल टाइटल चैंपियनशिप जो जीता है इंडिया की जो सानिया मिर्जा जी हैं उन्होंने, साथ में उनके हैं बिथाइन मटेक, इन्होंने दोनों ने मिलके जीता है। नेक्स्ट है इंडिया कौन सी कंट्री को अब 10 मिलियन फंड दे रहा है उसको रेसिज्म के अंगे लड़ने के लिए, साथ में आपने बताना है इंडिया के हाई कमिश्नर कौन है साउथ अफ्रीका के। वैसे आपको इसका आंसर आप इसी क्वेश्चन में मिल गया है कि साउथ अफ्रीका को 10 मिलियन फंड दिया गया है और इसके जो हाई कमिश्नर हैं इंडिया की ओर से वो हैं श्रीमती रुचि घनश्याम हाई कमिश्नर हैं साउथ अफ्रीका के इंडिया की ओर से। नेक्स्ट है द कंट्री न्यूज़पेपर मेक्स रॉबर्ट टू राइट स्टोरी, कौन सी कंट्री ने रॉबर्ट बनाया है जो स्टोरी लिख सकता है और उसका नाम है चाइना। बहुत से फ्रेंड्स बताता हूँ, बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं वो जापान की ओर इशारा कर रहे थे मुझे, पर ये गलत है, जापान नहीं है, चाइना इसका आंसर है। चाइना कंट्री ने एक रोबोट तैयार किया है ऐसा। नेशनल यूथ चैंपियनशिप कहाँ पे इस बार बनाई गई है, और ये बनाई गई है रोहतक में जो हरियाणा में है, और इसके चीफ गेस्ट थे राजनाथ सिंह जी जो हमारे होम मिनिस्टर हैं। और एक चीज और मैं बता दूं, आपको बताना है कि यूथ जो नेशनल यूथ फेस्टिवल मनाते हैं या हम नेशनल यूथ डे मनाते हैं वो किस दिन मनाते हैं,
और इसका आंसर है 12 जनवरी, स्वामी विवेकानंद की जो बर्थडे एनिवर्सरी होती है उनकी याद में। किशनपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड दुधवाहा नेशनल पार्क कहाँ पे है? और ये है यूपी में। किशनपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड दुधवाहा नेशनल पार्क यूपी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द नेशनल बॉक्सिंग एकेडमी कहाँ पे सेटअप की जाएगी? और इसका आंसर भी रोहतक है, जो कि हरियाणा में है। नेक्स्ट है, द स्टेट विल लॉन्च ए न्यू प्रोग्राम मनोहर ज्योति फॉर प्रमोशन ऑफ सोलर सिस्टम। कौन सी स्टेट ने मनोहर ज्योति प्रोग्राम लॉन्च किया है सोलर सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए? और इसका भी आंसर है हरियाणा। और जहाँ तक मैं जानता हूँ, ये जो नाम दिया गया है हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर, उनके नाम पे दिया गया है। मनरेगा स्कीम इम्प्लीमेंट कब हुई थी कंट्री में, हमारी कंट्री में, इंडिया में? और जो ये हुई थी, ये 1996 में हुई थी, और इसका पूरा नाम है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इस चीज़ का भी ध्यान रखें। नेशनल कैमल फेस्टिवल जनवरी में मनाया गया, कहाँ पे मनाया गया आपको बताना है। मोस्ट आपको पता होगा कि राजस्थान जो है वो स्टेट एनिमल है कैमल, और लेकिन ये अगर पूछा जाए राजस्थान में कहाँ बनाया गया, तो इसका आंसर है बीकानेर। मानस नेशनल पार्क इंडिया में कहाँ पे है? और ये है असम में। नेक्स्ट है, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? और इनका नाम है श्रीमती पिंकी आनंद। और आपको बताना है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, CAG, कैग जिसको हम बोलते हैं। आपने काफी नाम सुना होगा, और काफी रिपोर्ट भी आती है इसकी, काफी न्यूज भी आती है। और इसका आंसर है शशिकांत शर्मा। जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था, इन्होंने काफी मीडिया में न्यूज दी थी, आपने देखा भी होगा इनको। और मेरी पहली जो वीडियो है उसके अंदर भी है इसके इनका नाम और इनके बारे में। इंडिया फर्स्ट पार्टीशन म्यूजियम कहाँ पे सेटअप हुआ है? और ये जो सेटअप हुआ है ये अमृतसर में हुआ है। और अगर अमृतसर में पूछूँ तो अमृतसर में है टाउन हॉल, एक जगह है वहाँ पे हुआ है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड हर्बल फॉरेस्ट कहाँ पे सेटअप किया जाएगा? और इसका आंसर है पंचकुला। पंचकुला में एक जगह है मोरनी, वहाँ पे सेटअप किया जाएगा, जो कि हरियाणा में है। हर्बल फॉरेस्ट आप थोड़ा सा ऐसे याद कर सकते हो, जो मोर होते हैं वो थोड़ा जंगलों में रहते हैं, हर्बल जंगलों में रहते हैं, अच्छे जंगलों में रहते हैं। थोड़ा सा ऐसे याद करके आप अपने माइंड में रखें, क्योंकि करंट अफेयर थोड़ा सा क्या कई बार क्या होता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हो। इतना कुछ सेटअप होता है एक एक महीने में, या एक आपको सब जानते हैं कि कहीं ना कुछ इनग्रेट होता है, लॉन्च होता है, फाउंडेशन होती रहती है। तो थोड़ा इसको याद करने के लिए मैं अपने ओर से ये ट्रिक ऐड कर लेता हूँ। तो मैंने जैसे इसको थोड़ा माइंड में रखा है कि मोरनी, आप जानते हैं कि मोर की फीमेल, जैसे हम होते मोरनी हैं, हम अक्सर आम लैंग्वेज में बोलते हैं, ठीक है। तो उसके लिए ये होता है, तो उनके लिए फॉरेस्ट बनाया है, और हर्बल है तो हर्बल फॉरेस्ट बनाया है गया है। मोरनी मोरनी जगह है पंचकुला में, और वहाँ पे बनाया गया है, सेटअप किया गया है। चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी कौन है? आप इनकी फोटो देख रहे हैं, मेरी इस वीडियो में इमेज देख रहे हैं, इनका नाम है KV थॉमस। अब आपको बताना है कि चेयरमैन जो होता है पब्लिक अकाउंट कमेटी का, उसको कौन अपॉइंट करता है? उसको अपॉइंट करते हैं लोकसभा स्पीकर, उनको अपॉइंट करते हैं, और ये हमेशा अपोजिशन पार्टी के होते हैं। तो ये KV थॉमस कांग्रेस के हैं, और जैसे कि आपको पता है कि रूलिंग पार्टी BJP है लोकसभा में, और जो अपोजिशन पार्टी है वो कांग्रेस है। तो इसलिए आप इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, या ये आपको पेपर में आ सकता है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है, तो वो है लोकसभा स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, 20th नेशनल अवार्ड ऑन ई गवर्नेंस कहाँ पे हुआ? और ये हुआ विशाखापट्टनम में, जो कि आंध्र प्रदेश में है। अब आपको बताना है कि इसमें बेस्ट ई गवर्नेंस अवार्ड किसको मिला, बेस्ट ई गवर्नेंस अवार्ड किसको मिला? और इसका आंसर है गुरुग्राम। गुरुग्राम को बेस्ट ई गवर्नेंस अवार्ड मिला, जो हरियाणा में है। पहले इसका नाम गुड़गांव होता था, अब इसका नाम गुरुग्राम कर दिया गया है। और आपको एक चीज बतानी है, इसकी थीम क्या थी, जो ये अगर अवार्ड हेल्ड हुआ है, अवार्ड वहाँ पे मनाया गया है, इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड ई गवर्नेंस। तो वैसे थीम्स नहीं आती हैं मोस्टली स्टेट लेवल पे, पर बैंकिंग में आ सकता है, और SSC में भी चांस कम है, पर लेकिन करंट अफेयर का कुछ कह नहीं सकते। एग्जामिनर के माइंड में क्या चल रहा है, और वो आपका मेंटल जो लेवल है आपका कहाँ तक चेक करना चाहता है, वो उसके ऊपर भी है। तो
पर ये एक करंट अफेयर आ चुका है पहले, ऐसा कुछ मैंने याद नहीं आ रहा वो किसके लिए आया था, कौन सी फेस्टिवल के लिए था या कौन से बुक फेयर या कुछ और फेयर था उसके लिए था, बट ये क्वेश्चन आ सकता है कि उसकी थीम क्या थी। कॉर्बेट नेशनल पार्क इन इंडिया में कहाँ पे है, और वो है उत्तराखंड में, और ये आज़ादी से पहले का बना हुआ है और बहुत ही मशहूर पार्क है और टाइगर रिजर्व के लिए काफ़ी मशहूर है। और कॉर्बेट थे वो एक हंटर थे, फॉरनर थे वो, ब्रिटिश आई थिंक, और उनके ही नाम पे ये बना हुआ है। बुक फेयर 2017 जो है वो कहाँ पे बनाया गया इस बार, और वो बनाया गया पटना बिहार में। रणजी ट्रॉफी 2017 किसने जीती, और वो जीती गुजरात ने, और उन्होंने मुंबई टीम को हराया, और इसमें जो मैन ऑफ द मैच रहे थे वो थे पार्थिव पटेल। पार्थिव पटेल इसके मैन ऑफ द मैच रहे थे रणजी ट्रॉफी जो हुई है इस बार, गुजरात ने जीती है रणजी ट्रॉफी। और एक चीज और फ्रेंड्स, नेक्स्ट है विनर ऑफ ATP चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता, और ये जीता है रोहन बोपन्ना एंड जीवन नितुनजिया। रोहन बोपन्ना एंड जीवन जो है उन्होंने जीता है ATP चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट। और कतर ओपन 2017 टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता है ये आपको बताना है, और इनका नाम है बहुत ही टैलेंट है, वो टैलेंटेड टैलेंटेड प्लेयर हैं ये, और काफ़ी मैच जीते हैं इन्होंने, और वर्ल्ड के टॉप 5 रैंक में इनका नाम आता है, और एट प्रेजेंट आई थिंक शायद अभी इनका वर्ल्ड में 3 रैंक है मेरे ख्याल से, बट इतना मुझे याद है कि टॉप 5 में इनका नाम आता है, और इनका नाम है नोवाक जोकोविक। नोवाक जोकोविक, ये देखिए इनकी फोटो आप देख रहे हैं इसमें, और ये हैं विनर ऑफ कतर ओपन 2017 टेनिस टूर्नामेंट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, न्यू प्रेसिडेंट ऑफ जर्मनी, न्यू प्रेसिडेंट ऑफ जर्मनी कौन है, ये हैं फ्रैंक वाल्टर स्टेमिनर। फ्रैंक वाल्टर स्टेमिनर न्यू प्रेसिडेंट ऑफ है जर्मनी, ये आप इनकी फोटो देख रहे हैं मेरी वीडियो में। और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, चीफ ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया ने नए अपॉइंट हुए हैं वो कौन है, और उनका नाम है विक्रम लिमाए। इनकी फोटो आप देख रहे हैं मेरी इस वीडियो में, विक्रम लिमाए जो हैं वो चीफ ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अपॉइंट किए गए हैं। नेक्स्ट है चेयरमैन ऑफ कमेटी पैनल टू प्रिपेयर ए प्रपोजल फॉर डबलिंग फार्मर्स इनकम बाय 2020, कि जो 2020 तक फार्मर्स की जो इनकम वो डबल करने के लिए एक प्रपोजल दिया गया था, और उसके ऊपर कमेटी बनी थी, आपको बताना है उस कमेटी के चेयरमैन कौन है, और उनका नाम है अशोक डलवई, और इस कमेटी का नाम है अशोक डलवई कमेटी, और मैंने इसको ऐसे याद किया है डबलिंग फार्मर्स इनकम, और इनका नाम भी अशोक डलवई है, तो डबलिंग फार्मिंग और डलवई से इनका याद कर सकते हैं सरनेम से, और आपको आगे अगर क्वेश्चन आता है तो आपको थोड़ा इसका माइंड में स्ट्राइक करेगा कि हाँ मैंने ये पढ़ा हुआ है और मैंने इसको इस ऐसे इंटरेप्ट किया था, तो आपको अटेम्प्ट करने के लिए इजी रहेगा। नेक्स्ट है विनर ऑफ सेकेंड वर्ल्ड T20 ब्लाइंड क्रिकेट ट्रॉफी, एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ अवर टीम, इंडियन टीम ने पाकिस्तान को हरा के ये मैच जीता था, और 9 विकेट से हमने जीता है, और ये जो मैच हुआ था चिन्ना स्वामी स्टेडियम में हुआ था, बेंगलोर में है जो स्टेडियम उसमें हुआ था ये, और इसमें मैन ऑफ द मैच रहे थे प्रकाश प्रकाश जरमैया। इसके जो विनर थे, जो मैन ऑफ द मैच रहे हैं प्रकाश जरमैया, जिन्होंने 99 रन बनाए थे, और वो नॉट आउट रहे हैं, इसमें आप ध्यान रखें। और वैसे आपको ज़्यादातर बस ये आ सकता है किसने जीता है और किसको हराया है, इंडिया ने जीता है और पाकिस्तान को हराया है, ये सब के सब ब्लाइंड जो हमारे प्लेयर हैं, और बहुत अच्छा खेला है इन्होंने, बहुत अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया है इसके अंदर। इसरो ने अभी 104 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं सिंगल मिशन में, और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, सॉरी फ्रेंड्स, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। आपको बताना है कि इसके अंदर जो सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्री के हैं, इंडिया के कौन कौन से हैं, प्लस इससे पहले किस कंट्री के पास रिकॉर्ड था एक साथ सिंगल मिशन में सबसे ज़्यादा सैटेलाइट पहुंच ऊपर लॉन्च करने का। तो फ्रेंड्स पहले मैं आपको बता दूं, इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो थे 96 सैटेलाइट थे वो थे USA के, और USA के सैटेलाइट थे 96, इंडिया के हैं 3,
और इंडिया का इन सब में से सबसे जो हैवी वेट था वो इंडिया का था, जिसका नाम था कार्टोस्टैट 2। कार्टोस्टैट 2 जो सैटेलाइट था वो इंडिया का था, और इन सब सबसे ज़्यादा वेट उसी का था। और जहाँ तक मैं जानता हूँ 750 kg के आसपास था, या 750, आई थिंक 750 kg है यहाँ तक, मतलब मैं श्योर नहीं हूँ, पर आपको जो क्वेश्चन आएगा नहीं कि 750 वेट क्या है या वेट था या कितना था, बट आपको ये आ सकता है कि कि हमारा इंडिया का कौन सा है इसमें, तो हमारा इंडिया का कार्टोस्टैट 2 है, और इनसेट भी था बीच में, इनसेट 2 और इनसेट 2 ए शायद, ये दो थे और, बट लेकिन आपको ये आ सकता है कि कौन सी कंट्री के हमने ज़्यादा भेजे हैं, और वो है USA। और इसके अलावा सात कंट्रियाँ थी, सात कंट्रीज थी, अब मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी कंट्री थी। और ये थी यूनाइटेड स्टेट, जैसे आपको मैंने बताया कि 96 उसके गए हैं, और एक गया है इसराइल का, एक है काजिकिस्तान का, एक है नीदरलैंड्स का, और एक है स्विट्जरलैंड का, और एक था यूनाइटेड अरब इमिरेट्स UAE का। और ये लॉन्च हुआ है श्री हरिकोटा से, और जो उड़ीसा में है, और इससे पहले जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था वो रशिया के पास था, जिसने 2014 में ये रिकॉर्ड अपना बनाया था, और उसने 37 सैटेलाइट सेंड किए थे एक ही सिंगल मिशन में। और अब ये जो नाम है वो हमारे नाम पे है, इंडिया के नाम पे है, और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो इसरो, उसके नाम पे है, और इसका बहुत तारीफ हुई है पूरे वर्ल्ड में, और बहुत सी कंट्रियाँ अब हमारे साथ टाइप कर रही हैं कि जो सैटेलाइट हैं हम बनाएं, क्योंकि इसमें जो एक्सपेंस लगा था बहुत कम लगा था, तो इसलिए बहुत सारी कंट्रियाँ हमारे पास अब कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रही हैं, और किया कर भी रही हैं, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है कि हमारे साइंटिस्ट ने इतना अच्छा काम किया है, और वो आगे भी इतना अच्छा काम करते रहेंगे। और अब नेक्स्ट जो जो करंट अफेयर है वो है इंडिया फर्स्ट ट्रांसजेंडर स्कूल कहाँ पे ओपन हुआ है, और इसका आंसर केरला में है, केरला है। इंडिया फर्स्ट फुली ऑर्गेनिक स्टेट कौन सी है, ये सबको पता होगा आपको, सिक्किम बनी है, और पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। मोबाइल ऐप बनाई गई है इंडियन मर्चेंट नेवी के लिए, आपको उसका नाम बताना है, और उसका नाम है इंडियन नेवी। द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने एक फाउंडेशन रखा है बुंकर मित्र हैंडलूम हैंडलूम हेल्प सेंटर का, हेल्पलाइन सेंटर का, वो कहाँ पे है, और वो है भोपाल इंडिया में। जापान ने अभी इंडिया को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए हेल्प करने के लिए 3 सिटी को स्मार्ट सिटी के लिए सेलेक्ट किया है, आपको बताना है वो कौन कौन सी सिटी है, और उसका जवाब है अहमदाबाद, वाराणसी एंड चेन्नई, ये 3 सिटी हैं। आपको ऐसा लगता है कि कौन सी सिटी नहीं है, तो अगर आपको तीनों पता है तो आप बड़े आराम से अटेम्प्ट कर लोगे कि फोर्थ आपको कौन सी नहीं पता। शिव ग्रामीण टैक्सी सर्विस किस स्टेट ने लॉन्च की है, और ये है मुंबई। और आप कैसे याद कर सकते हो कि जो शिवसेना है वो मुंबई में काफ़ी सक्रिय है, काफ़ी स्टेब्लिश है, तो शिव ग्रामीण वहाँ की टैक्सी सर्विस महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ऐसे लॉन्च की है। इंडिया का पब्लिक वाईफाई सर्विस लार्जेस्ट सिटी कौन सा बन गया है, वो है मुंबई। आइलैंड टूरिज्म फेस्टिवल 2017 कहाँ हुआ, उसका आंसर है अंडेमान निकोबार। सर्द हवा ऑपरेशन BSF ने कौन सी स्टेट में लॉन्च किया, और उसका आंसर है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाउंडेशन ऑफ वर्ल्ड वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है वो कहाँ पे है, और कहाँ पे उसको फाउंडेशन रखी गई है, और उसका काम शुरू हो चुका है, और उसका आंसर है अहमदाबाद जो गुजरात में है। अब आपको फ्रेंड एक चीज बतानी है, इसकी सिटिंग कैपेसिटी कितनी है, और इसका नाम नाम क्या है, और एट प्रेजेंट कौन सी कंट्री में जो है क्रिकेट स्टेडियम है जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है, ठीक है। और इसका आंसर मैं आपको आगे दूंगा, क्योंकि इसी से रिलेटेड आगे एक और क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा ट्रिकी बना के बनाया हुआ है, बट अगर आपको पता है आप अपनी कॉपी में नोट कर लें, और उसके बाद मेरे उस आंसर से मैच करके देखें। नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ इंडिया इन इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट, वो हमारी पोजीशन क्या है इंडिया की, और वो है 60 है हमारी इंडिया की पोजीशन। नेक्स्ट है करंग आइलैंड कहाँ पे है, और ये न्यूज में भी है काफी, और ये क्वेश्चन में आ सकता है, मैं मेरे जो गट फीलिंग कह रही है कि ये आपको आ सकता है, क्योंकि ये पहला कैशलेस कैशलेस ट्रांसैक्शन जो बनी है यहाँ पे, कैशलेस आइलैंड बना है इंडिया का, और मोस्टली स्टूडेंट जो थे उन्होंने बोला, मुझे बच्चों ने जो बोला कि ये है सॉरी
अंडमान निकोबार ने बोला किसी ने, और कोई उसको दमन बोल रहा है, पर लेकिन ये जो है ये है मणिपुर में, मणिपुर में है कारंग आइलैंड, जो हमारे इंडिया का फर्स्ट कैशलेस आइलैंड है। नेशनल बेबी अवार्ड कितने बच्चों को मिला, और ये मिला है 25 बच्चों को, और उनमें से 13 गर्ल हैं, और मोर देन 50% गर्ल ने, जो हमारी गर्ल्स हैं लड़कियाँ, उन्हें बहुत अच्छा काम किया, बहुत ब्रेवी का काम किया, और हम सबको उनके ऊपर गर्व है कि उन्होंने बहुत सारी जिंदगियां भी बचाई हैं, तो इसलिए उनको ये अवार्ड मिला। 58th इंटरनेशनल गारमेंट फेयर कहाँ पे हुआ, ये हुआ दिल्ली में। कम्युनिटी रेडियो अवेयरनेस वर्कशॉप कहाँ पे लगाई गई, ये लगाई गई रायपुर, और जो इंडिया में है रायपुर वहाँ पे लगाई गई। एज पर WEF रिपोर्ट डायनामिक सिटी वर्ल्ड की इंडिया में कौन सी है, और वो है बेंगलुरु। बॉडी वोन कैमरास गिवन टू पुलिस ऑफिसर, पुलिस जो पेट्रोलिंग के जाते हैं, पुलिस का जो ऑफिसर हैं उनको दिया जाएगा। कौन सी स्टेट ने ये देने का ऐलान किया है, और ये है हरियाणा गुरुग्राम पुलिस को दिया जाएगा। ब्रह्मपुत्र लिटरेरी फेस्टिवल कहाँ पे बनाया गया, और इसका जो आंसर है वो है गुवाहाटी असम में। इंडिया का स्पेसिफिक हाइब्रिड कार कौन लॉन्च करेगा, और उसको लॉन्च करेगा टोयोटा अगले 5 सालों में। कंट्रोलर एंड जनरल अकाउंट ऑफ इंडिया कौन है, वो है श्रीमती अर्चना निगम। आप इनकी फोटो मेरी इस वीडियो में देख रहे हैं, ये हमारे कंट्रोलर एंड जनरल अकाउंट हैं इंडिया के, तो इस चीज़ का भी आप थोड़ा ध्यान रखें, कंट्रोलर एंड जनरल अकाउंट ऑफ इंडिया। IBM के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, पहले ये माइक्रोसॉफ्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर थे, अब ये IBM के हैं, और इनका नाम है करण बाजवा। CBI चीफ ऑफ इंडिया कौन है, ये पहले दिल्ली के पुलिस कमिश्नर थे, अब ये CBI के चीफ बन चुके हैं, इनका नाम है आलोक वर्मा। और जो अब इनकी जगह पे कौन आया है, मतलब चीफ कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस कौन है अब, और इनका नाम क्या है, और इनका नाम है अमूल्य पटनायक। नेक्स्ट है कि जो इस बार रिपब्लिक डे परेड हुआ है 26 जनवरी को, उसमें बेस्ट स्टेट टैब्लो किसको मिला है, बेस्ट बेस्ट स्टेट टैब्लो किसको मिला है, वो है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है इंडिया फर्स्ट लेजर टेक्नोलॉजी बेस्ड चेक पोस्ट कहाँ पे बनाई जाएगी, और इसका आंसर है गुजरात में। अगर आपको पूछे गुजरात में कहाँ पे, तो गुजरात में डिस्ट्रिक्ट अरावली में बनाई जाएगी। इंडिया फर्स्ट सोलर पावर बोर्ड कहाँ पे लॉन्च की गई है, वो केरला में लॉन्च की गई है। रणजी ट्रॉफी विनर कौन है, वो गुजरात है, और गुजरात ने हराया है मुंबई को, और पार्थिव पटेल मैन ऑफ द मैच थे। GST अब ये 1 अप्रैल को लॉन्च होना था, चेंज रोल आउट होना था, लेकिन ये इम्प्लीमेंट अब लेट हो गया है, इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। आपको बताना है नेक्स्ट डेट क्या है, नेक्स्ट डेट है 1 जुलाई 2017। विनर ऑफ मलेशिया मास्टर ग्रैंड प्रिक्स 2017 कौन है, और वो है सेना नेहवाल। इंडिया ने टेस्ट फायर रॉकेट लॉन्च किया है, टेस्ट फायर किया है उसको, और उसका नाम है पिनाका 2, जिसको DRDO ने डेवलप किया है। सैफ साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन कप 2017 किस कौन सी कंट्री करेगी, और किया है बांग्लादेश ने, और इसके विनर हैं जो इंडिया है, फोर्थ 4 बार विनर रह चुकी है इंडिया इसमें, और जो इंडिया ने हराया है इस बार वो थे अफगानिस्तान टीम। MD एंड CEO ऑफ SBI पेंशन फंड, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ SBI पेंशन फंड कौन है, इनका नाम क्या है, इनका नाम है कुमार सदा इंदु, कुमार सदा इंदु। टूरिस्ट ट्रेन टू बी लॉन्च बाय नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का नाम क्या है टूरिस्ट ट्रेन का, और इसका जो नाम है आस्था सर्कल टूरिस्ट ट्रेन, गुवाहाटी से स्टार्ट हुई है, गुवाहाटी में इसको चलाया गया है असम में, और इसका नाम है आस्था सर्कल टूरिस्ट ट्रेन। अभी नेक्स्ट है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, वो आपको मिनिमम कितना इंटरेस्ट रेट दे रहा है और मैक्सिमम कितना दे रहा है, और इसका आंसर है 4.5% मिनिमम एंड 5.5% मिनिमम, तो इस चीज का भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है यूनियन HRD मिनिस्टर ने एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है सर्व शिक्षा अभियान के लिए, आपको उस पोर्टल का नाम बताना है, और उसका नाम है शगुन, उसका नाम है शगुन, जो इंडिया HRD मिनिस्टर ने लॉन्च किया है। आपको बताना है HRD मिनिस्टर कौन है, हमारे HRD मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर।
सॉरी फ्रेंड्स, आपको बताना है इन कौन सी इंडियन नेवी वारशिप के ऊपर आपको फर्स्ट एटीएम लगाया है, और वो स्टार्ट हो चुका है, फंक्शन भी कर रहा है वो। और इसका जो आंसर है वो है INS विक्रमादित्य। INS विक्रमादित्य के ऊपर ये एटीएम लगा है, और आपको बताना है ये कौन सी ब्रांच का है, कौन सी बैंक का है, सॉरी कौन सी बैंक का एटीएम है, और इसका आंसर है SBI। SBI एटीएम जो है वो स्टार्ट हो चुका है इंडियन नेवी वॉरशिप के ऊपर, जिसका वॉरशिप के ऊपर, और जो है INS विक्रमादित्य फर्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, बड़े ध्यान से सुनना, इस बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है ये, और आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ सकता है, क्योंकि अभी ये न्यूज़ में भी रहा था। और इससे पहले आपको मुझे ये बताना है, आप बताइए कि वर्ल्ड ब्रेली डे हम कब मनाते हैं, कब सेलिब्रेट करते हैं, आपको बताना है। और आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, ये अभी अभी गया है, मतलब जनवरी महीने में गया है, आपको मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। और ब्रेली एक पर्सन थे जिन्होंने ये बनाई थी, एक ब्लाइंड पर्सन के लिए एक मशीन बनाई थी वो रीड कर सकें, और वो कोडिंग के थ्रू होती थी, और उनका नाम था लुईस ब्रेली। तो आपको बताना है कि पहले वर्ल्ड ब्रेली डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, तो इसका आंसर है 4th ऑफ जैन। 4th ऑफ जैन को हम सेलिब्रेट करते हैं, और पहली ब्रेल फर्स्ट ब्रेल लाइब्रेरी ओपन हुई है इंडिया में, वो हुई है गुवाहाटी में, और इसके अंदर 200 बुक्स हैं फॉर ब्लाइंड पर्सन के लिए वो रीड कर सकें। अब तो ये हो गया फर्स्ट ब्रेल लाइब्रेरी ओपन इन इंडिया गुवाहाटी। अब आपको बताना है फर्स्ट ऑनलाइन ब्रेल लाइब्रेरी ओपन इन इंडिया कब हुई थी, और इसको जो ओपन हुए काफी टाइम हो गया है, और ये हुई थी मुंबई में, इसके अंदर नियर अबाउट 12,000 बुक्स हैं इन इस कैटलॉग में, मतलब ऑनलाइन ब्रेल लाइब्रेरी मुंबई में है। अगर सिंपल पूछा जाए आपसे कि ब्रेली लाइब्रेरी कहाँ पे है, तो उसका आंसर है गुवाहाटी। नेक्स्ट है 350th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु गोविंद सिंह जी कहाँ हुई, इसका आंसर है पटना बिहार में। फोर्थ असम इंटरनेशनल एग्री हॉर्टी शो 2017 कहाँ पे हुआ, और इसका आंसर है गुवाहाटी जो कि असम में है। 104th इंडियन साइंस कांग्रेस कहाँ पे हुई, इसका आंसर है तिरुपति, और इस जो कि केरला में है। आपको बताना है इंडियन साइंस कांग्रेस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इंडियन साइंस कांग्रेस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका आंसर है कोलकाता। खादी इंडिया लॉन्च जो डिजाइनर क्लॉथ सेल करेगा वो सबसे पहले कहाँ खोला गया, और अब ये धीरे धीरे सब मेट्रो सिटी में आ रहा है, और इसका मैंने आउटलेट का एक फोटो ये आपको दिखाया है वीडियो में, ऐसा होगा, और बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने मैनेज कर रखा है, और ये सबसे पहले खुला है मुंबई में। एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन ABU डांस फेस्टिवल फर्स्ट टाइम कहाँ पे इनोग्रेट हुआ है, और इसका आंसर है हैदराबाद, हैदराबाद में हुआ है। आयरम शर्मिला पार्टी जो अभी हार गई थी, इनको सिर्फ 90 सीटें मिली हैं, 90 वोट मिली हैं, सॉरी सीटें नहीं मिली हैं, 90 वोट्स मिले हैं, 90 सिर्फ 90 वोट्स मिले हैं। और इनकी पार्टी का नाम क्या था, पार्टी का नाम था प्रजा, और इसकी फुल फॉर्म है पीपल्स रिसर्जेंस एंड जस्टिस अलायंस। नॉर्थ ईस्ट फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन कहाँ पे हुआ, ये हुआ पुणे में, और इसकी जो ओपनिंग मूवी थी, फिल्म थी, उसका नाम था कोथानोंडी, इसका नाम था जो इसकी ओपनिंग फिल्म थी। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन जो हरियाणा में स्टार्ट हुआ है वो कौन है, वो है साक्षी मलिक। और ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया कौन है, वो है नरेंद्र मोदी, ये पेपर में आ चुका है। बिजनेस हेड ऑफ मोबीविक कौन है, वो है विक्रम बीर जो है वो बिजनेस हेड है मोबीविक के, जो एक आपको पता है पेमेंट वैलेट है। विनर ऑफ प्रो रेसलिंग वीक 2017 कौन है, वो था हरियाणा हैमर्स, हरियाणा हैमर्स ने हराया जयपुर निंजा को, जयपुर निंजा को हरा के हरियाणा हैमर्स ने प्रो रेसलिंग लीग 2017 जीती है। फोन पे मोबाइल ऐप कौन सी आपको ऑनलाइन शॉपिंग जो कंपनी है वो ऑफर करती है, उसका नाम है फ्लिपकार्ट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तो अपॉइंट किया है न्यू, वो कौन है, वो है श्रीमती सुरेखा मारंडी। प्रसार भारती के CEO कौन है, उनका नाम है डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश। इनसे पहले जो CEO थे इंटरिम वो CEO थे थोड़े टाइम के लिए, वो थे राजीव सिंह। अब जब देख रहे हो प्रसार भारती, प्रसार होना, और आप इसको ऐसे याद करते हो सूर्य प्रकाश, सूर्य का प्रकाश हुआ तो चारों तरफ प्रसार हो गया,
तो ऐसे मैंने इसको थोड़ा सा याद किया है अपने माइंड में रखने के लिए कि अगर मुझे क्वेश्चन में मैं कहीं कंफ्यूज आऊँ तो मेरे माइंड में एक ट्रिक रहे कि मैंने इनको ऐसे इंटरप्रेट किया था। तो जहाँ जहाँ पे मुझे जरूरत पड़ेगी मैं आपको बताता जाऊँगा, और मैं ऑलमोस्ट सबके करता हूँ, लेकिन मैं कई बार वीडियो में नहीं बताता हूँ, मेरी पीडीएफ में भी होता है वैसे, बट लेकिन मैं नहीं बताता हूँ। उसका रीज़न ये है कि काफ़ी कुछ लोग कोई लोग मतलब अपने मतलब माइंड ना करें इस चीज़ को, क्योंकि ये तो सिर्फ ट्रिक है, और मैं वैसे कुछ गलत नहीं बताता हूँ, लेकिन मैं किसी के हर्ट नहीं करना चाहता या किसी को वो नहीं है, बट लेकिन ट्रिक रखने के लिए या इंटरप्रेट करने के लिए जीके को मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, सो दैट कि मैं ज़्यादातर इसको जीके को अपने माइंड में इंटरप्रेट कर सकूँ और मैं एग्जाम में उसको अटेम्प्ट कर सकूँ। हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट ने अभी योगेश्वर दत्त की जो शादी हुई थी उसके ऊपर उसको कुछ अमाउंट दी थी उसके विलेज के लिए, आपको बताना है वो अमाउंट कितनी थी। वो अमाउंट थी 10 करोड़, और जो योगेश्वर दत्त का विलेज है वो सोनीपत में है, डिस्ट्रिक्ट सोनीपत में उसका विलेज है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पे है, और इसका आपको बताना है कि जो ग्रीन पार्क स्टेडियम है इसके बारे में अगर कुछ आप जानते हो तो बता सकते हो। और ग्रीन पार्क जो स्टेडियम है वो कानपुर में है, उत्तर प्रदेश में, और इसका आपको एक चीज बता दूं, जो इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट स्टेडियम है वो यही है, इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट जो स्टेडियम है वो कानपुर में है, जिसका नाम है ग्रीन पार्क स्टेडियम, और ये मैडम ग्रीन के नाम पे लिखा गया है। और इसका मैं बता दूं, जो फर्स्ट टेस्ट प्लेयर टेस्ट मैच खेला गया था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में वो यही खेला गया था 1959 में, और इसने इंडिया इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था। और इसके अंदर एक चीज़ बता दूँ, जो पहला मैच हुआ था टर्फ विकेट के ऊपर, टर्फ होती है नकली घास, जो आपने देखा होगा नकली घास के ऊपर भी मैच खेले जाते हैं, वो भी यहीं पर खेला गया था पहला मैच। वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको इसी वीडियो में क्वेश्चन पूछा था, वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम जो अभी इंडिया में बन रहा है उसका नाम क्या है। वो अभी जो बन अभी बन नहीं रहा बन रहा है लेकिन बन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, 2 साल के अंदर बन जाएगा, लेकिन अभी उससे पहले आज के टाइम में अगर मैं बात करूं, आज आज कौन सा क्रिकेट स्टेडियम कौन सी कंट्री में है आपने बताना था। तो पहले तो इसका आंसर है जो सरदार पटेल स्टेडियम बनाया गया है अहमदाबाद में, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है और इंडिया का भी लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है, और एक और सॉरी वर्ल्ड का भी है लेकिन अभी बना नहीं है। अगर एट प्रेजेंट मैं बात करूं कि एट प्रेजेंट कौन सा है, तो एट प्रेजेंट है एडन गार्डन्स कोलकाता, एट प्रेजेंट एडन गार्डन का जो स्टेडियम है, एडन गार्डन्स कोलकाता का जो स्टेडियम है एट प्रेजेंट, जो मतलब जिसके ऊपर मैच खेले जाते हैं वो लार्जेस्ट है, और उसकी कैपेसिटी है 68,500। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, वर्ल्ड वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे ओपन होगा, तो वो है इंडिया, जिसका नाम है सरदार पटेल स्टेडियम, जिस 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा, और जो अभी अहमदाबाद में है गुजरात में, और इसकी सीटिंग कैपेसिटी है 1,10,000। बट अगर मैं ये बात करूं आपसे, अगर मैं ये आपसे पूछूं एट प्रेजेंट वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है, तो उसका नाम है मेलबर्न, मेलबर्न जो ऑस्ट्रेलिया में है, और इसका वो अभी सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, और उसकी कैपेसिटी है 1,24,000 सीटिंग अरेंजमेंट, मतलब नियर अबाउट 1,00,000 सीटिंग अरेंजमेंट का वहाँ पे है। और लेकिन अभी 2 सालों के बाद जब सरदार पटेल स्टेडियम बन जाएगा तो ये हमारा वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा लंबा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा। लेजर वॉल स्मार्ट सेंसर कौन से कंट्री के बॉर्डर पे इस्टेब्लिश किए जाएंगे, और इसका आंसर है इंडिया बांग्लादेश। ह्यूमनॉइड रॉबर्ट HDFC बैंक ब्रांच डिप्लॉय कर रहा है, इसकी फोटो आप देख रहे हैं रोबोट की मेरी इस वीडियो में। आपको बताना है कि जो ये वो रोबोट है इसका नाम क्या है, इसका नाम है ईरा, इसका नाम है ईरा, और ये बहुत जल्दी ही HDFC बैंक की ब्रांचेस में जो मेट्रो सिटीज हैं वो बहुत जल्दी आपको दिखेगा कस्टमर्स हेल्प के लिए। तो ये आपके बहुत काफ़ी अच्छा इन्होंने स्टेप लिया है। फर्स्ट नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट कहाँ पे हुई, और इसका जो आंसर है वो है शिलोंग मेघालय। अब आपको बताना है कि द अबोड ऑफ क्लाउड्स, बादलों का घर किस स्टेट को बोला जाता है, जहाँ पे इस स्टेट में बादल बहुत रहते हैं वर्षा बहुत होती है, आपको बताना है इंडिया में द अबोड ऑफ क्लाउड्स किस स्टेट को बोला जाता है, इसका आंसर है मेघालय, मेघालय को द अबोड ऑफ क्लाउड्स बोला जाता है।
मोज ऐप, मोबाइल एप्लीकेशन फॉर डेंगू डिटेक्शन करने के लिए, डेंगू को चेक करने के लिए किस स्टेट ने लॉन्च की है, इसका भी आंसर है केरला। और मोस ऐप, मोस का मतलब है मॉस्किटो, ऐप का आप जानते हैं एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन है, तो ये केरला ने लॉन्च की है। नेक्स्ट आपको बताना है जो बुक आप देख रहे हैं, द पीपल्स प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम, इस बुक के ऑथर कौन है, और आपने देखा है जो इस बुक के कवर पेज के ऊपर ही नाम लिखा हुआ है SM खान, ये इस बुक के ऑथर हैं। ऑथर जो लिखा होता है मोस्टली बुक के फ्रंट पेज पे लिखा ही होता है उनका नाम, इस चीज का भी थोड़ा ध्यान दें आप। सॉरी, नेक्स्ट है 28th दंतन ग्रामीण मेला कहाँ पे हुआ, और इसका आंसर है वेस्ट बंगाल में। दुलारी कन्या स्कीम को कौन सी स्टेट ने लॉन्च की है, और जो सो दैट कि वहाँ पे इन्फेंट जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हो जाए, और वो है अरुणाचल प्रदेश ने, जो इंडिया में है स्टेट वो उसने की है, अरुणाचल प्रदेश ने दुलारी कन्या स्कीम। जस्टिस जो नए जस्टिस हमारे इंडिया के, उनका नाम क्या है, उनका नाम है जगदीश सिंह केहर, JS केहर, जो नए जस्टिस, इनकी फोटो आप देख रहे हैं मेरी वीडियो में, और ये हमारे 44th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, और पहले थे जो TS ठाकुर थे, अब इनकी जगह पे ये आ गए हैं। अब नेक्स्ट है डिजिटल डाकिया योजना कौन सी स्टेट ने लॉन्च की है, कैशलेस ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए, एनकरेजिंग करने के लिए, और इसका आंसर है डिजिटल डाकिया योजना, वो है MP इंडिया, मध्य प्रदेश इंडिया। वर्ल्ड का पहला जेंडर लिटरेचर फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया, वो है पटना बिहार में, ये अभी किया जाएगा अप्रैल में, अभी अभी हुआ नहीं है, सॉरी, अप्रैल में ये सेलिब्रेट किया जाएगा, लेकिन ये वर्ल्ड का पहला जेंडर लिटरेचर फेस्टिवल होगा। आपको बताना है कि UNO ने वर्ल्ड 2016 को, यूनाइटेड नेशन ने वर्ल्ड 2016 जो ईयर था उसको क्या डिक्लेयर किया है, और उसका आंसर है इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सिस। अब आपको बताना है कि 2017 को उन्होंने क्या डिक्लेयर किया है, और उसका आंसर है इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म फॉर डेवलपमेंट। अखाड़ा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ महावीर सिंह फोगट के ऑथर कौन है, आप क्या बुक का जो कवर पेज आप देख रहे हैं, और इनका नाम है सौरभ दुग्गल, और ये आपको पता है कि दंगल मूवी भी इनके ऊपर बनी है, महावीर सिंह फोगट थे, उनकी बेटियां थी उनके ऊपर बनी है, और महावीर सिंह फोगट उनके फादर थे, फादर हैं, सॉरी अभी भी। NTR आरोग्य रक्षा स्कीम कौन सी स्टेट ने लॉन्च की है, और NTR जहाँ तक मैं जानता हूँ ये वैद्य हैं वहाँ स्टेट के, उनके नाम पे है, और आरोग्य रक्षा स्कीम जो बनाई गई है लॉन्च की है स्टेट ने, उस स्टेट का नाम है आंध्र प्रदेश। मुंबई मैराथन जो हुई थी, मुंबई मैराथन हुई थी उसके एम्बेसडर कौन थे, वो थे डेविड लुकुटा रुशा, जो केन्या के हैं, और ये 2016 में जो ओलंपिक हुआ था उसमें विनर थे, 800 मीटर जो रेस हुई थी उसके अंदर। इंडिया फर्स्ट मैडम तुसाद म्यूजियम कहाँ पे ओपन खोला जाएगा, ओपन होगा जून में, और इसका आंसर है न्यू दिल्ली। और फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज बता दूं, ये वर्ल्ड का 23rd ब्रांच है इनकी जो खोली जाएगी, और ये यहाँ पे आपको पता होगा कि मॉम के पुतले बनाए जाते हैं जो सेलिब्रिटी होते हैं उनके, और ये वर्ल्ड की 23rd ब्रांच है, इसका भी आप ध्यान रखें। पेमेंट बैंक को अलाउ किया गया है सेविंग, जो सेविंग एक्सेप्ट करने के लिए, और वो इंडिविजुअल से वो उसकी अमाउंट कितनी है, उसका आंसर है 1 लाख। इंश्योरेंस कंपनी ने रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है इंडिया की, उन्होंने IRDAI ने एक कमेटी बनाई है जो लाइफ इंश्योरेंस के जो रेगुलेशंस हैं, नॉर्म्स एंड रेगुलेशन हैं, उनको रिव्यू करेगी। उस कमेटी के हेड कौन है, और उनका नाम है अमिताभ चौधरी, जो HDFC स्टैंडर्ड लाइफ के CEO हैं, जो HDFC स्टैंडर्ड लाइफ के CEO हैं उनके ना वो इसके हेड है कमेटी के। और अब है चीफ गेस्ट ऑफ प्रवासी भारतीय दिवस 2017, प्रवासी भारतीय दिवस बेंगलुरु में हुआ इस बार, और ये NRI डे भी बोलते हैं इसको, जो 9th ऑफ जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। और आपको बताना है कि इसके चीफ गेस्ट कौन थे, और इसका आंसर है जो चीफ गेस्ट थे वो थे डॉक्टर एंटोनियो कोस्टा, जो प्राइम मिनिस्टर हैं पुर्तगाल के, प्राइम मिनिस्टर थे वो इसके चीफ गेस्ट थे। वर्ल्ड बुक फेयर 2017 कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया, ये दिल्ली में सेलिब्रेट किया गया, और इसकी जो थीम थी वो थी मनुषी, मनुषी बुक्स रिटन ऑन एंड बाय वुमेन, जो बुक लिखी गई है मनुषी वो इसकी
थीम थी। साइबर पाठशाला के ऑथर कौन है? इसके ऑथर हैं तरुण विजय। मिशन 41 के कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया? वो रेलवे ने लॉन्च किया है 41K, और इसका 41K इसके लिए है जो इसके ऊपर 41,000 करोड़। 41K आप देख रहे हैं, के फोर होता है किलो मतलब हजार, 41,000 करोड़, के फोर थाउजेंड और करोड़ हिंदी में आप याद रखें, क के क से मतलब करोड़, वो है सेव किए जाएंगे एनर्जी कंजप्शन को लेके अगले 10 सालों में। तो इसका नाम रखा गया है मिशन 41K। न्यूयॉर्क टाइम्स के टॉप ट्रैवल डेस्टिनेशन लिस्ट में इंडिया की कौन सी कंट्री है आपको बताना है, और इसका आंसर है आगरा एंड सिक्किम। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश ने अभी एक ट्रैवल कंपनी के साथ टाई अप किया है और MOU साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, उसका नाम क्या है ट्रैवल कंपनी का? उसका नाम है मेक माई ट्रिप। कौन सी एडिडास ने कौन से प्लेयर को अपना ब्रांड एम्बेसडर हटा दिया है? उनका नाम है विराट कोहली। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है कि जो रिजल्ट आएगा एग्जाम का इस बार वो हम थ्रू SMS के थ्रू सेंड करेंगे बच्चों को? उसका आंसर है J&K, जम्मू एंड कश्मीर। इंडिया के फर्स्ट फीमेल प्रोफेशनल बॉक्सर कौन है? आप इनकी फोटो देख रहे हैं और इनका पूरा नाम है लेशराम सरिता देवी, और ये पहले बॉक्सर थी, और इसके पहले जो मेल बॉक्सर थे हमारे वो वीरेंद्र सिंह है हरियाणा से, अब फीमेल भी बन गई हैं, वो है सरिता देवी। कैशलेस ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए एक डेयरी ऑर्गेनाइजेशन ने आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, आपको बताना है वो डेयरी का नाम क्या है, उस डेयरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, और उनका नाम है मदर डेयरी। हिमाचल प्रदेश की सेकंड कैपिटल 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 कौन सी है? वो है धर्मशाला। फर्स्ट डिजी धन मेला कहाँ पे बनाया गया? और इसका जो आंसर है वो है गुरुग्राम हरियाणा में, और ये दिसंबर 26, 2016 को बनाया गया। इंडिया की पहली इंटरनेशनल एक्सचेंज कहाँ पे उद्घाटन किया गया और इसका नाम क्या है? कहाँ पे उद्घाटन किया गया और इसका नाम क्या है? और ये गांधीनगर जो गुजरात में है वहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा, और इसका नाम है इंडिया INX, एक्स फॉर एक्सचेंज, XX INX है। इसी का प्लीज आप ध्यान रखें, आप गलती से वहाँ पे कुछ INS हुआ तो वहाँ पे INS मत करना, INX, एक्स फॉर एक्सचेंज जैसे होता है वो इसको लॉन्च किया, नाम दिया गया है। बैंक कौन सा बैंक है जिसने कस्टमाइज सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है? आप अपने बैंक को कस्टमाइज कर सकते हैं, अगर आपको जैसे कि आपने फैमिली में ग्रुप करना है, डेबिट कार्ड लेना है, ठीक है, बैलेंस क्या रिक्वायरमेंट आपकी क्या है, कितना आप बैलेंस रखना चाहते हैं उसके अंदर, डिजिटल आपको बैंकिंग प्रोडक्ट चाहिए कि नहीं चाहिए, और वो है यस बैंक। यस बैंक ने पहला ऐसा कस्टमाइजेबल सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है। कौन सी कमेटी ने सजेस्ट किया है कि जो IIT है हमारे इंडिया में उसके अंदर लड़कियों के लिए 20% जो है रिजर्वेशन रहे, और उसका जो हेड है कमेटी के उनका नाम क्या है? उनका नाम है तिमोथी गोंसल्वेस, गोंसल्वेस कमेटी, तिमोथी गोंसल्वेस कमेटी। नेक्स्ट जो है कौन से यूनिट ने इंडिया में सोल्जर्स की कंप्लेंट को सोल्व करने के लिए एक व्हाट्सएप नंबर दिया था, आपको बताना है कौन किसने ये इनिशिएटिव लिया था, और इसका आंसर है इंडियन आर्मी, और इनका नंबर था 9643300008, जो आर्मी के चीफ है हमारे इंडियन आर्मी के चीफ बिपिन रावत जी, उन्होंने डायरेक्ट इनसे इंटरेक्शन करने के लिए यह नंबर दिया था। तो ये थे हमारे मतलब इसमें आपको एक चीज़ और बता दूं फ्रेंड्स, कि जो हमारे इसमें बिपिन रावत जी हैं वो नए आर्मी चीफ बने हैं हमारे, और इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो अभी आपने देखा होगा काफ़ी न्यूज़ आई थी, उस न्यूज़ को लेके काफ़ी प्रॉब्लम आई थी आर्मी को और स्टाफ को, मीडिया में भी काफ़ी न्यूज़ आई थी, उनको सॉल्व आउट करने के लिए ही ये स्टेप लिया गया था। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने हेपेटाइटिस सी को फ्री कर दिया है? जो उसकी मेडिसिन है वो फ्री, ट्रीटमेंट फ्री होगा, और उसका नाम है हरियाणा। हरियाणा गवर्नमेंट ने ये कर दिया है कि हेपेटाइटिस सी के लिए सारा जो मेडिसिन होगी वो फ्री मिलेगी हॉस्पिटल हॉस्पिटल में। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने अंत्योदय आहार योजना को लॉन्च किया है ऑन द डे ऑफ रिपब्लिक
2017 और उसका नाम है हरियाणा, हरियाणा ने ही लॉन्च किया है। सीएमडी कौन है हीरो साइकिल के, वो है पंकज मुंजाल। और अभी हीरो साइकिल ने ग्लोबल डिजाइन सेंटर जो है खोला है, ओपन किया है मैनचेस्टर यूके में, यूनाइटेड किंगडम में। और इसके अंदर वो नेक्स्ट जनरेशन बेस जो है बाइक्स लेके आएंगे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर। फर्स्ट टाइम जो हुआ है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने, कौन सी यूनिट थी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की जिन्होंने इस बार पार्ट लिया है, भाग लिया था पब्लिक डे पे, और वो थी ब्लैक कैट कमांडोस। हाइएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड जिसको बोला जाता है अशोक चक्कर, इस बार किसको मिला है? और ये मिला है हवलदार हंगपन दादा, और ये उनकी वाइफ थी चेसन लोवांग, उनको दिया गया है। द सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी 50 करोड़ रुपए अप्रूव किए हैं हरियाणा की पहली हॉर्टिकल्चर साइंस यूनिवर्सिटी में इन्वेस्ट करने के लिए। आपको बताना है कि ये जो हरियाणा की ये पहली हॉर्टी हरियाणा स्टेट की पहली ये हॉर्टिकल्चर साइंस यूनिवर्सिटी कहाँ खोली जाएगी, और इसके वाइस चांसलर कौन है? ये खोली जाएगी करनाल में, और इसके जो वाइस चांसलर हैं उनका जो वाइस चांसलर हैं जो इस यूनिवर्सिटी के, उनका जो नाम है वो है केपी सिंह। द पैलेस ऑफ बीइंग मॉडरेटली फेमस जो बुक है उसकी राइटर कौन है? और ये एक्ट्रेस हैं और सैफ अली खान की सिस्टर हैं, और नाम है सोहा अली खान। रिलायंस इंडस्ट्री ने अभी एक साउथ एशिया की बहुत बड़ी कंपनी है और उसके साथ एक एग्रीमेंट किया है कि वो जामनगर जो गुजरात में है, जामनगर वहाँ पे एक बुटाइल रबर हेलोजेनेश की एक यूनिट बना रही है, तैयार कर रही है, फाउंडेशन कर दिया है वहाँ पे, फाउंडेशन करेगी और वहाँ पे रबर के जो टायर होते हैं वो तैयार होंगे। और वो उस कंपनी का नाम बताना है आपने, उस कंपनी का नाम क्या है? और उसका नाम है सिबर, SIBUR, सिबर। और आपको मैं एक चीज बता दूं, ये जो ब्यूटाइल रबड़ हेलोजेनेटेड जो रबड़ होती है, ये जो होती है ट्यूबलेस टायर को बनाने में यूज की जाती है। ब्यूटाइल रबड़ है जो ब्यूटल, ये इसमें ब्यूटाइल लिखा हुआ है, ब्यूटाइल रबड़ वायरलेस टायर बनाने के लिए यूज की जाती है। अब आपको बताना है व्हाइट रेवल्यूशन को और क्या बोला जाता है, व्हाइट रेवल्यूशन को और क्या बोला जाता है? और इसको बोला जाता है ऑपरेशन फ्लड, और ये मिल्क मिल्क से रिलेटेड है, मिल्क के लिए काफी है भी, जैसे आपको बताया कि मिल्क की प्रोडक्शन काफी होती है इंडिया में। येलो रेवल्यूशन किसके रिलेटेड है? ये है ऑयल सीड सेक्टर से। बहुत से फ्रेंड्स इसको पल्स बोलते हैं, पल्स नहीं है, जो ऑयल सीड है। पल्सिस मत बोलना दालें जो लोग बोलते हैं कि येलो दाल होती है, ऐसे नहीं है, ये ऑयल सीड के लिए है। अभी न्यूज़ आई है कि महात्मा गांधी का जो थे एक स्कूल में, इनका स्कूल का नाम है एल्फ्रेड हाई स्कूल जो था, वो उसके पढ़ उसमें वो पढ़े थे, आई थिंक 8 साल वो उसमें पढ़े हैं, और उसको अब म्यूजियम बना दिया जाएगा, म्यूजियम बना दिया जाएगा। आपको बताना है वो स्कूल कहाँ पे है, और वो है राजकोट, वो गुजरात में है। 37 एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप कहाँ पे हुई? और ये न्यू दिल्ली में हुई, गांधी इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में हुई। बंधवागढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? और ये है मध्य प्रदेश उमरिया डिस्ट्रिक्ट में। डलहौजी रोड जो दिल्ली में है, नेशनल कैपिटल में हमारी, डलहौजी रोड का नाम चेंज कर दिया गया है, अब उसका नया नाम है दारा शेखो रोड। दारा शेखो औरंगजेब का बड़ा भाई था। नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप कहाँ पे खेली गई? ये खेली गई हरियाणा में। अफेरिकन कप ऑफ नेशंस कहाँ पे हुआ? ये हुआ गेबोन जो अफ्रीका में है। कौन सी कंट्री ने यूएसए की मिलिट्री के साथ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करने को मना कर दिया? वो थी कंबोडिया। आपको बताना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हिंदी ऑफिशियल नेशनल लैंग्वेज कब बनाई, कब इसको ये कब फोर्स में आई? और इसका आंसर है 1950, 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट है सांबर लेक कहाँ पे है? सांबर लेक जो है वो है जयपुर राजस्थान में। और गीता चोपड़ा ब्रेवरी अवार्ड किसको मिला इस बार? वो इस बार मिला है तेजस्विता प्रधान और शिवानी गोंड। फर्स्ट स्टेट कौन सी है जिसने आर्मी वेलफेयर सेपरेटली सेटअप फंड को जो है सेपरेटली हैंडल करने के लिए अनाउंस किया है? वो अलग से आर्मी वेलफेयर फंड बनाएगी और उनकी वेलफेयर के लिए यूज करेगी, वो है तेलंगाना।
तेलंगाना स्टेट ने अनाउंस किया है कि वो आर्मी वेलफेयर फंड सेटअप करेगी। कौन इंडिया पासवर्ड का रैंक क्या है और मोस्ट पावरफुल पासवर्ड की जो लिस्ट बनी है उसमें इंडिया का रैंक क्या है? इंडिया का रैंक है 78 और इसमें जर्मनी का रैंक सबसे ऊपर है और अफगानिस्तान का रैंक सबसे नीचे है। स्टेट गवर्नमेंट ने एक नॉलेज वेयरहाउस लॉन्च किया है सो दैट कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू जो उनका स्टार्टअप है डिजिटल इंडिया है उसके जो स्टार्टअप्स हैं उसको वो इनिशिएट कर सकें और उसका नाम है हरियाणा गवर्नमेंट। हरियाणा गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है और ये पहला जो सेटअप लगा है ये लगा है गुरुग्राम में। फ्रेंड्स अब आपको बताना है केन बेतवा जो रिवर है, केन बेतवा जो रिवर है वो जो प्रोजेक्ट है रिवर प्रोजेक्ट है वो कौन सी दो स्टेट के बीच में है जहाँ वो कौन सी दो स्टेट को लिंक करता है? और वो है एमपी एंड यूपी, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। और आप बता दूं ये जो लेंथ है इस रिवर की वो 221 किलोमीटर की लेंथ है। होप आइलैंड कहाँ पे है आपको बताना है कि होप आइलैंड कहाँ पे है और ये है आंध्र प्रदेश में। अभी इसकी न्यूज़ भी आई थी कि जो कछुए होते हैं टर्चल्स होते हैं हमारे उसको 54 कछुए वहाँ पे एक साथ मारे गए थे, डेथ हो गई थी उनकी, वो यहीं पे हुई थी। और होप आइलैंड यहाँ पे है वो, इसका जगह नाम है आंध्र प्रदेश। 22nd स्कॉर्पियन क्लास की सबमराइन अभी इंडियन नेवी ने लॉन्च की है। आपको उनका नाम बताना है, उनका नाम है INS खंडेरी और ये फ्रांस की हेल्प से बनी है। जब आप ये कह सकते हो कि फ्रांस ने बनाया है और इंडिया का इसका कुछ पार्ट जो भाग है वो इंडिया में है, मतलब इंडिया और फ्रांस के बीच में ये साथ, इंडिया और फ्रांस के बीच में ये साथ बनी है। आपको बताना है इसके पहले पहली स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन कौन थी, पहली जो स्कॉर्पियन क्लास थी उस सबमरीन कौन थी, उसका नाम था INS कलावेरी। INS कलावेरी वो पहली पहली स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन थी और ये सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अब आपको दोनों बताना है मुझे, वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया जाता है और नेशनल हिंदी डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हिंदी डे अभी अभी मनाया गया है जनवरी में, पर नेशनल हिंदी डे जो इंडिया में मनाया जाता है वो थोड़ा लेट मनाया जाता है, आपको मैं बता रहा हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ, जो वर्ल्ड हिंदी डे बनाया गया है वो 10th of January को सेलिब्रेट किया गया है और जो नेशनल हिंदी डे है वो 14th of December को मनाया गया है, जब मनाया जाएगा। नेशनल हिंदी डे 14 सितंबर को मनाया जाता है और वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी को। अभी आप सबको बताया कि बहुत ही मशहूर एक्टर जो जिनकी डेथ हो गई है वो थे अवंतपुरी जी। और नेक्स्ट है ICBM का मीनिंग क्या है? अगर डिफेंस सेक्टर में मैं बात करता हूँ या डिफेंस सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ICBM का फुल फॉर्म क्या है? और इसका फुल फॉर्म है इंटर कॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल, इंटर कॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है टाइमर मोबाइल ऐप किस कंपनी ने लॉन्च की है और इसका नाम है गूगल, गूगल ने ये लॉन्च की है। ह्यूमन बॉडी में कितने ऑर्गन्स हैं और इसका आंसर है 79, पहले 78 थे लेकिन इस साल जनवरी में साइंटिस्ट ने और आयरलैंड के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक और ऑर्गन फाइंड आउट किया है और वो है वो उसका नाम है मिसेंट्री। मिसेंट्री जो ऑर्गन है वो हमारी बॉडी में होता है और ये डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ होता है, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है क्योंकि आपने देखा होगा एक या दो क्वेश्चन साइंस के भी आ जाते हैं करंट अफेयर के अंदर या जीके के अंदर। नेशनल स्पोर्ट कोड को फ्रेम करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है, आपको बताना है उस कमेटी के हेड कौन है या उस कमेटी का जो हेड है उस कमेटी का नाम क्या है? उनका कमेटी का जो नाम है वो हेड है वो है इंजेती श्रीनिवास श्रीनिवासम और इनका कमेटी का नाम भी यही है इंजेती श्रीनिवास कमेटी जो नेशनल स्पोर्ट कोड के फ्रेम को फ्रेम करेगी। और इसमें अभिनव बिंद्रा भी हैं इस मेंबर कमेटी में मेंबर जो हैं अभिनव बिंद्रा भी हैं। आरबीआई के न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, सुरेखा मरंडी इसके डायरेक्टर हैं। नोबेल प्राइज सीरीज एग्जीबिशन कहाँ पे हुई, ये हुई गांधीनगर गुजरात में। 4 मेंबर कमेटी बनाई गई थी जिसमें बीसीसीआई को बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया करने के लिए आपको बताना है उसके हेड कौन है? आप सबके ऐसा आप इनका नाम जानते होंगे, इनका नाम है विनोद राय, विनोद राय को इसका हेड बनाया गया है।
तो फ्रेंड्स ये थे आपके जनवरी महीने के हेडलाइंस, आप ये कह सकते हो वन लाइनर करंट अफेयर आप कह सकते हो। अभी आपके साथ में हर महीने जो मैं करंट अफेयर लेके आऊँगा उसमें आपके साथ मैं उस महीने में जो जो इम्पोर्टेंट डे हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अब आपको बताता हूँ, जनवरी फर्स्ट को हम ग्लोबल फैमिली डे भी सेलिब्रेट करते हैं या उसको मनाते हैं, और जनवरी 9 को प्रवासी भारतीय दिवस जिसको हम NRI डे भी बोलते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियन डे भी बोलते हैं, जनवरी 9 को सेलिब्रेट करते हैं। आप सबको ध्यान दें ये आ सकता है, और इस बार ये बेंगलुरु में बनाया गया। जनवरी 10 जो जनवरी 10 है उसमें हम वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेट करते हैं, मैंने अभी आपको पहले ही बताया था अपनी वीडियो में। सेकंड है, नेक्स्ट है जनवरी 12 नेशनल यूथ डे बनाते हैं हम, स्वामी विवेकानंद एनिवर्सरी होती है उनकी, तो जनवरी 12 को हम उनका बर्थडे बनाते हैं हर साल। नेशनल आर्मी डे 15 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं, और वो है 15 जनवरी नेशनल आर्मी डे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बर्थ एनिवर्सरी जनवरी 23 को हम सेलिब्रेट करते हैं, और नेशनल गर्ल चाइल्ड डे जनवरी 24 को हम सेलिब्रेट करते हैं। नेशनल रिपब्लिक डे, इंटरनेशनल कस्टम्स डे, या नेशनल रिपब्लिक डे या फिर इंटरनेशनल कस्टम्स डे हम जनवरी 26 को सेलिब्रेट करते हैं। जनवरी 30 को बहुत सारे इम्पोर्टेंस डे होते हैं, लेकिन इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है वो है मार्टियर्स डे। मार्टियर्स डे हम जो होता है शहीदी दिवस बोलते हैं, वो हम मनाते हैं जनवरी 30 को, और इसके साथ नेशनल क्लीननेस डे भी मनाते हैं, और महात्मा गांधी की इस दिन डेथ एनिवर्सरी भी होती है। और अगर जनवरी 30 को लास्ट संडे है तो हम उसके अंदर वर्ल्ड लिप्रोसी इरिडिकेशन डे बनाते हैं। ये एक स्किन की प्रॉब्लम होती है, बीमारी है एक तरह की, और उसको उसके लिए हम बनाते हैं। तो फ्रेंड्स ये था जनवरी महीने के इम्पोर्टेंस डे एंड डेट, और आप इसको भी थोड़ा ध्यान रखें। फ्रेंड्स थैंक यू, और ये था मेरा करंट अफेयर जनवरी महीने का, और मैं सब उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें मेरे द्वारा जो करंट अफेयर मैंने आपको बताए हैं आपको पसंद आए होंगे, और आपको इसका जो मैंने इस तरीके यूज़ किया है, ट्रिक यूज़ किया है कि आपको मैं जिस तरीके से मैं अभी हर चीज़ मैं गेन करूँ आपके लिए, हर चीज़ को मैं आपके सामने प्रोवाइड करवाऊँ कि अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको असेस कर सको, आप उसको अटेम्प्ट कर सको, नहीं तो ऐसा हो सके कि आप उसको एक माइंड में रहे आपके कि हाँ कि आपने इसको पढ़ा हुआ पहले भी, और आपके वो याद रहे कि मैंने इसको कहीं सुना हुआ है, या आप उसको कहीं किसी और तरीके से भी इंटरेट कर सकें। और आपको मैं फ्रेंड एक चीज़ बता दूं कि जो आंसर होते हैं वो क्वेश्चन के बीच में ही होते हैं, बस आपको समझने का या आपने कभी सुना नहीं होता, तो उस चीज़ का बस आप ध्यान रखें। और फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इसके अंदर मैंने व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप मुझे मेल कर सकते हो, ईमेल आईडी भी दे रखा है मैंने। और अगर आपको ये मेरी करंट अफेयर का ये वीडियो चाहिए हो, प्लस उसके साथ जो आंसर है मैं आपको PDF फाइल दे सकता हूँ, या आपको जैसे मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाई है इसकी पूरी की पूरी वीडियो या प्रेजेंटेशन फाइल चाहिए हो आपको वो मैं आपको प्रोवाइड करवा सकता हूँ। प्लस उसके साथ ही डेली के डेली जो इंग्लिश के सिनोनिम्स होंगे वो आप मुझसे ले सकते हो। जनवरी महीने के पूरे में आपको इंग्लिश के सिनोनिम्स दे सकता हूँ, नियर अबाउट 300 350 के आसपास सिनोनिम्स हैं, और ये मैंने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाए हैं, और जो वर्ड एग्जाम में आ चुके हैं वो भी मैंने उसमें ऐड किए हैं। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का वीडियो, और आपको अगर ये लेना हो वीडियो और या PDF फाइल लेनी हो तो इसके लिए आपको जस्ट 21 रुपीज़ पे करने हैं। आप पेमेंट वैलेट के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं, मैंने फर्स्ट पेज पे ही आपको अपना नंबर दिया हुआ है, पेमेंट पेटीएम का, मोबीक्विक का और एयरटेल पेमेंट बैंक का, आप मुझे सेंड कर सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो। ट्रांसफ़र करने के बाद आपको अपना ट्रांसैक्शन नंबर या रेफरेंस नंबर और आपका नाम और आपका ईमेल एड्रेस मुझे व्हाट्सएप करना है, मैं आपको वो सॉफ्ट कॉपी है वो मेल कर दूंगा। तो फ्रेंड्स ऑल दी बेस्ट आप सबको, आपके एग्जाम आने वाले होंगे जो आप तैयारी कर रहे हैं, तो ऑल दी बेस्ट। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सबकी मनोकामनाएं पूरी हों, आप जिंदगी में आगे बढ़ें, और आप अपनी लाइफ में जो भी आपके गोल्स हैं, जो भी आपके एम्स हैं, आप उनको अचीव करें।